तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग भी बहुत ही खास होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैंने अभी तक मेरे चैनल पे नॉन वेज रेसिपी बहुत सारा दिखाया, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक वेज फूड रेसिपी दिखाया जाए। तो आज अभी मटर का सीज़न है और पनीर तो सबका फेवरेट होता ही है वेज में, तो आज मटर पनीर का रेसिपी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और किस किस चीज़ का रेसिपी का वीडियो आप लोग को चाहिए। तो चलिए अब आप लोग से किचन में मिलते हैं, जब बनता है मटर पनीर वो दिखाते हैं। तो मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पनीर को हमें सरसों तेल में फ्राई करना होगा। तो पनीर फ्राई हो चुका है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब आगे का प्रोसेस आप लोग को दिखाते हैं। तो उसी तेल में फिर हम लोग फ्राई करेंगे जो खड़ा मसाला होता है उसे, यानी कि दालचीनी, उसके बाद इलायची, उसके बाद हम लोग डालेंगे तेज़पत्ता, उसके बाद डालेंगे जीरा और उसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हरा मिर्चा डालेंगे फ्राई होने के लिए, उसी जिसमें हम लोग खड़ा मसाला को फ्राई कर रहे उसी के साथ। और उसके बाद फिर इसमें प्याज डालेंगे और ये सबको मिला के हम लोग फ्राई कर लेंगे। इधर हम लोग ने जीरा, गोलकी, सूखी मिर्च और प्याज लहसुन आदि दे के इसका पेस्ट बना लिया है। फिर उस पेस्ट को जो हम लोग प्याज वगैरह फ्राई कर रहे थे उसमें डालेंगे। उसके बाद उसको थोड़ी देर तक मिलाएंगे। उसके बाद इसमें हल्दी डालेंगे और वही स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। उसके बाद उसको थोड़ा देर तक चलाएंगे। उसके बाद इसमें टमाटर डालेंगे और ये सबको मिला के फिर से थोड़ी देर तक चलाएंगे। तो अब टाइम आ गया सबसे मेन चीज़ यानी कि मटर डालने का। तो अब मटर डालेंगे और उसको भी थोड़ा मिला के थोड़ी देर तक चलाएंगे। और अब इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद फिर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। और हम लोग चिकन मसाला डाले हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, या अगर आप लोग का मन है तो डाल सकते हैं, वरना आप लोग कोई दूसरा मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा धनिया पत्ता यानी कि कोरिएंडर ऐड करेंगे उसमें। उसके बाद उसको थोड़ी देर तक चलाएंगे। उसके बाद अब बस रेडी ही होने वाला है। तो चलिए अब जब फाइनल रेडी हो जाता है तब आप लोग को दिखाते हैं। के बाद ऊपर से और कोरिएंडर गार्निश के लिए ऐड कर देंगे कि ताकि वो अच्छा लगे देखने में। तो अब ये रेडी हो चुका है, तो वही अब मम्मी का काम ख़त्म और मेरा काम शुरू। तो चलिए अब इसे खाते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि आज कैसा बना। वैसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि देखने में कैसा लग रहा है। तो अब इसे खाते हैं, फिर आप लोग को बताते हैं कि ये कैसा है। तो चलिए अब इसको खा पी के फिर आपसे मिलते हैं। तो मटर पनीर वगैरह तो मैंने खा लिया, खा के बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा था। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को आज का ब्लॉग ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं कल एक और अमेजिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।